न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। अभी हम खड़े हैं सब्जी बाग इलाके में और आप लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा के एहतियात को बरतते हुए दरियापुर सब्जी बाग के जो इमाम साहब हैं उन्होंने मस्जिदों में आकर के नमाज पढ़ने की अब रोक लगा दी है, लेकिन उन्होंने लोगों से कहा है कि आप जो भी नमाज पढ़ें वो आप अपने घरों में रह करके पढ़ सकते हैं, जितने भी वक्त के नमाज होते हैं वो नमाज आप अपने घरों में रह के पढ़ें। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये सब्जी बाग मस्जिद का दरवाज़ा है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखते हुए लोगों को घर से नमाज पढ़ने की बात की जा रही है। हम सीधे कुछ लोगों से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या इस तरीके की सुरक्षा की बात की गई है और सुरक्षा के एहतियात को बरतते हुए लोगों को मस्जिदों में नहीं बल्कि अब अपने घरों में नमाज पढ़ने की बात की गई है, क्या कुछ लोग सोचते हैं इसको लेकर के? रोक लगा दी गई है कि बीमारी जो है फैलने वाला है, इसलिए जो है इसको रोक लगाया गया है कि और को बीमारी नहीं होवे। शान में हम लोग जितने भी कास्ट हैं सब एक हैं, जब मंदिर में रोक लगा तो मस्जिद में भी भीड़ लगती है, उस वजह से हम लोग भी रोक लगाएं और ज़रूरी है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लिए ये चीज़। मस्जिदों में नमाज के लिए रोक लगा दी गई है, ये हमारे मुल्क में बहुत अभी जो सिचुएशन चल रहा है बहुत गंभीर से हम लोग को लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मस्जिद में हम लोग एक जगह होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम साहब ने हम लोग के बोला कि आप अपने अपने घर पर पढ़ सकते हैं। ये पहली बार हम लोग को सरकार ने मौका दिया कि देश बचाने का, सबसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि घर से बाहर बिला वजह घर से बाहर नहीं निकले, घर में रह कर देश बचा। क्या कि जितना आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हो उतना ही आपको घर पर भी नमाज़ पढ़ना है, उतना ही सवाब मस्जिद में भी मिलेगी आपको, उतना ही सवाब घर पर भी मिलेगी। मैं अपने लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने हम लोग के ऊपर ये थोपा है कि पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानी के ऊपर थोपा है कि अपने देश को बचाना है। तो मैं सारे 135 करोड़ हिंदुस्तानी से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर पर रहें, कोई बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकले, कोई बहुत इमरजेंसी है तो बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो मत निकले। नमाज अगर मस्जिद में रोक हो गई है तो ऐसा तो नहीं है कि मंदिर में रोक नहीं हुई है, मंदिर में भी रोक हुई है, गुरुद्वारे में भी रोक हुई है, चर्च में भी रोक हुई है, हर एक जगह रोक हुई हुई है। क्यों? क्योंकि एक वायरस है, ये एक दूसरे से फैल रहा, ये मस्जिद और मंदिर के खिलाफ नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान बंद है। यहाँ तक एक एक आदमी परेशान है, मगर इस परेशानी से खुश भी है कि हम अपने घर में, जैसा कि इतवार के दिन एक पहला पड़ा था हमारा जो बंदी, वो दिन है इतवार का मज़ा लीजिए, उस हिसाब से सब आदमी मज़ा भी लिया। अभी जुमा का नमाज हो या कोई भी नमाज हो, सब आदमी अपने घर में भी पढ़ सकता है, इससे थोड़ा वायरस से आदमी दूर रहेगा, इससे बचेगा, और ऐसी कोई बात नहीं है। हमें खुशी है कि हमारे दोस्त यार जितने भी हैं जो हम लोग साथ में बैठने वाले थे वो आज हम लोग अलग अलग हैं। क्यों? इस वायरस से बचने के लिए, ना ही कि हम लोग एक दूसरे से अलग होने के लिए, ना ही इसमें NRC, ना ही SEA, ये वो डी डेट जो है, इस सब को बंद करते हुए इस वायरस से सिर्फ बचिए, बस इस वायरस से बचिएगा, जितना बचिएगा उतना आपको सेफ्टी है। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।